दोस्तों, रणधीर अभी पैकिंग कर रहा है। पैकिंग एज इन कि अपने बैग बना रहा है बाहर जाने के लिए। उसने अभी बाहर का मौसम नहीं देखा है। उससे मिल के आते हैं और उसको पूछते हैं कि कहाँ की पैकिंग चल रही है इसकी। रणधीर कहाँ जा रहा है? बहिरे बहिरे? बाहर घूमने जाएंगे दोस्तों। आज हम मस्त आपको नारीमन पॉइंट लेके चलते हैं। बहुत अच्छा। मस्त वेदर हो रहा है बाहर, ऑरेंज ऑरेंज सा। आपको घुमा के लाता हूँ बाहर। बस अच्छा, तूने बाहर का वैसे मौसम देखा है? क्यों, क्या हुआ? व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम टू श्रेय आर्टिस्ट दिस इज कोमल सिंह सीरा। एंड दिस इज रणधीर पोपट सिंह। पोपट बन गया मेरा दोस्तों। मुझे लगा यहाँ पर ये नए वाले ब्लॉग की आज इंट्रोडक्शन ले रही है। यहाँ पर इसने क्या बोला अब वो मुझे एडिट में जाके पता लगाया, और मैंने फिर वहाँ पर जो मेरा रिएक्शन था वो रियल था दोस्तों। ये ना इतनी देर से कह रहा था, आज इसने सुबह से बोला हुआ था कि अपन फटाफट अपने काम करके आज तो कहीं बाहर जाएंगे, आज तो कहीं बाहर जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। इसने क्या करा ना कि ये ऑरेंज ऑरेंज मौसम देख के और काफ़ी देर वहाँ पे बैठा था, उसके बाद पैकिंग करने लग गया। तो फिर मैंने इसे यहाँ से पूछा कि तू क्या कर रहा है? कहता चल चल आ जा, पैकिंग कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल आती हूँ मैं। तब तक बारिश हो चुकी थी और इसने देखा नहीं था। मार खा लेगी, बता रहा हूँ। मम्मी गुस्सा चढ़ रहा है मेरे बहिरे बहिरे जा रहा था ये। को। आज बड़ा मन था दोस्तों स्कूटी पे बाइक ट्रिप मारने का। स्कूटी पे बाइक ट्रिप हम ही मारते हैं। तू साइकिल से यहाँ पे ट्रिप मार ले, अब तुम साइकिल जैसा ही कर दिया। साइकिल भी बाहर चलानी थी यार। कोई नहीं, चलो कोई नहीं, अब बस मैं अकेले में जाके रोता हूँ। रणधीर बिस्किट खाएगा? इसको पता है मेरा क्या मतलब है कि मुझे बिस्किट दे दे। मेरे से तो कभी कोई पूछेगा नहीं कि भाई कभी नमकीन खाएगा। जिंदगी भर मीठा ही खाता रहूं मैं। हैड इनफ ऑफ मीठा। एंड आई लव मीठा। मुझे नहीं खाने बिस्किट। मीठा दोस्तों, आपके घर में बिस्किट बोला जाता है कि बिस्कुट बोला जाता है, ये हमें कमेंट में बताओ। हाँ, क्योंकि देखो मेरे घर में तो दोस्तों बिस्कुट बोलते हैं और मेरा भाई बिस्किट बोलता है। कोमल भी बिस्किट बिस्किट बोलती ही है। बोलती हूँ मैं भी शायद। मैं तो बिस्कुट बोलता हूँ, मैं बिस्कुट खा रहा हूँ। दोस्तों, क्योंकि बारिश हो रही है और हम ट्रैप्ड हैं अपने घर में, तो मेरे नंबर कटते कटते रह गए। पूछो कैसे? क्यों? क्योंकि मैं बना रही थी राजमा चावल, और आपको जैसे कि पता है कि रणधीर एक नंबर दो नंबर तो धनिए के काट ही लेता है। तो मेरे पास धनिया था नहीं, और स्विगी मार्ट से फिर मैंने मंगाया, इंस्टा मार्ट जो भी है, जो स्विगी का है, तो उनसे मैंने मंगाया फटाफट धनिया और दो चार चीज़ें। और तो वो उन्होंने मेरे को दे दी, ला के दे दिया फटाफट। मतलब इतनी बारिश हो रही है लेकिन फिर भी वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, तो स्विगी का इंस्टा मार्ट मतलब किस चीज़ का वो है? मतलब उससे क्या एब्रीविएट वो क्या करता है? इंस्टा मार्ट क्या रेफर करता है? क्या इंस्टा किस चीज़ के लिए? फटाफट। क्या इंस्टाग्राम मार्ट? इंस्टा मार्ट जैसे कि डी मार्ट होता है और ये सब होता है। इंस्टेंट मार्ट, इसलिए तो छोटा कर दिया। छोटा कर दिया? छोटा मतलब छोटा कर दिया यार। दोस्तों यार, आज मेरा मन था बाहर जाने का, और हमारा कई दिनों से मन है बाहर जाने का, जब से हमारे घर में। तो मेरा घना चौकस मन हो रहा था भाई बाहर जाने का। बहुत जोर की मन कर रहा था मेरा कि भाई मैं जाऊं, आज मैं मरीन लाइन होकर आऊं, नारीमन पॉइंट पर जाके बैठूं और वहां पर गरम मसाला वाला वो क्या बोलते हैं उसको, कुकू चना जोर गरम, वो खाऊं। वो बहुत टेस्टी था। मैंने नरीमन पॉइंट पे खाया सबसे टेस्टी आज तक। और वहाँ की चाय,
बट फिर मुझे ये भी देखना था कि वो कोस्टल रोड बन रही है ना जो हाजी अली वाली, वो होगी कि नहीं, नारीमन पॉइंट दिखेगा कि नहीं। पर मुझे स्कूटी पर जाना था, मेरा मन कर रहा था, घर पे बैठे बैठे इतने दिन से सजा ही हो गई है और आज सच तो में। बारिश हो गई, आज हम निकल नहीं पाए। मैंने कहा कुकू रेडी हो, हमने ब्लॉग अपलोड किया साइकिल वाला और वो भी लेट हो गया। मैं कुकू चल 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 अब निकलते हैं, और फिर ये हो गया, फिर हम निकल के और वापस अपने घर में निकल गए। यस गाइस, अब हम मस्त खाना खाएंगे। और दोस्तों, क्योंकि मैं कभी भी पीयर प्रेशर में नहीं आता, तो मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी मुझे बोला था कि देख लो आज हम मनी हाइस्ट स्टार्ट करेंगे, शायद आज हम मनी हाइस्ट देखेंगे। मैंने तो कभी भी नहीं देखा था राजमा चावल ते मनी हाइस्ट। कुकू ने भी मुझे बहुत ताने मारे कि मनी हाइस्ट देख ले, तो मैं फिर देख लूंगा। मेरे को कोई प्यार से नहीं समझाता कि भाई देख, क्योंकि दोस्तों ये मेरी देख जो मेरी बताई हुई सीरीज है ना, ये कभी भी नहीं देखता, और फिर मुझे आता है इस पर गुस्सा, क्योंकि मैं इसकी हर एक बताई हुई सीरीज देखती हूँ। और सिर्फ एक मैंने फ्रेंड्स मना किया था, जो कि मैंने बाद में फ्रेंड्स स्टार्ट कर दिया था, और इसके साथ मैं दूसरी बार देख रही हूँ। और ये जब मेरी सीरीज नहीं देखता ना मन से, क्योंकि इसने डाउनलोड करने के लिए लगा रखी थी और बोलता आज फ्रेंड्स ही देख ले, फिर वो तो मेरा पारा चढ़ गया। वो डाउनलोड ही नहीं हुई थी क्योंकि इसने करी नहीं थी। अगर इसको देखना होता ना तो इसने ये डाउनलोड अभी करके बैठा होता वहाँ पे, सेटअप पूरा लगा के, जो ये बड़ा सेटअप लगा रहा है ना आजकल, वहाँ पे सारा सेटअप लगा होता। इस बात पे बहुत बेकदरी हो गई है मेरी, मैं जा रहा था। दोस्तों आज क्योंकि हम ट्रैप्ड इन मुंबई होम है और मेरे पास कुछ ज़्यादा करने को था नहीं, तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज किया जाए और एक न्यू रेसिपी बनाई जाए। ऑलराइट ब्रो, अब वो न्यू रेसिपी आप लोगों के लिए न्यू नहीं होगी क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने बना रखी होगी, लेकिन मेरे लिए न्यू है क्योंकि मैंने एक बार बनाई थी और वो ख़राब हो गई थी। तो अब मैं सोचती हूँ मैं नई तरीके से उसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और वो चीज़ है राजमा चावल। ठीक है, अभी तेल को ही तू जला क्यों रही है? तेल गर्म हो गया अब। My God. ये पता क्या था? जिंजर गार्लिक पेस्ट विद अ हिंट ऑफ ग्रीन चिली। ये क्या है? ये मैंने डाल दिया इसमें टोमेटो प्यूरी। नमक नहीं डाला तूने? नमक शमक डाल देते हैं। ओ मेरे नमक वाला वो कहाँ गया? हटा चमचे। इतना भी नमक भाई खाने में काफ़ी होता है ये, बाद में और डाल देंगे ना अगर सही होगा तो। कम नमक मैनेज हो सकता है, उसमें आप ज़्यादा डाल के या फिर एक उबाली दे दो तो चलता है, लेकिन ज़्यादा नमक के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं कम ही डाल रही हूँ अभी, क्योंकि मैंने ऐसी सिचुएशंस का पहले सामना किया हुआ है। मैं तो दोस्तों नवरात्रों के ओवर होने का वेट कर रहा हूँ कि जब नवरात्रे ओवर होंगे फिर मैं कुछ वो चीज़ें खाऊंगा जिसमें मुझे इंटरेस्ट आता है। वैसे तो देखो ये अंडा भी नहीं खाता, ठीक है, लेकिन अब इसका मन कर रहा था अंडा भुर्जी खाने का। आज नहीं बोला मैंने, एक बार भी नहीं मन था। मतलब कि तेरा वो नॉनवेज खाने को मन था ना, और फिर वैसे और मुझे भी कभी याद नहीं आता कि यार चल मैं आज ये बना दूँ आज वो बना दूँ। अब फिर जब नवरात्र होते ना, जब नहीं खाना होता तब ना सारी वो डिशेज याद आती हैं जिसमें अंडा डलता है, जिसमें मीट डलता है, ये कर लेती हूँ वो कर लेती हूँ, सारी वही रिलेटेड मेरे को ख्वाब आ रहे थे। कोई नहीं, अब हम इसके बाद जब ये ओवर होगा तब पार्टी करेंगे। अब क्या हो रहा है? मसाले डल रहे हैं जिससे आएगा स्वाद। येलो पाउडर, रेड पाउडर, उसके बाद ब्राउन पाउडर, फिर मड कलर का पाउडर, खूब सारे पाउडर, और इनको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। ये तो तरी कम होगी तो गाढ़ा हो गया। ओ यार पानी भी तो आएगा अभी ऐसा, अगर इसको मैं ओ राजमा की स्मेल आई इसी में से आ गई। दोस्तों ये लास्ट चीज़ थी, ये पहले मैंने जो अनियंस थे उसको कैरमलाइज करके थोड़ा सा फ्राई करके और रख लिया था, उसको पीस लिया था मैंने, मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, और मैं इसके साथ इसमें ये डाल रही हूँ वापस। थोड़ा पानी चाहिएगा? पानी चाहिएगा? छी 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 छी, ये तो भाई क्या बोलूँ अब। मैं समझ गई तेरी बात। छोड़ छोड़। तेरे ही खाना मुश्किल होगा, मुझे क्या है। नहीं स्मेल तो बहुत अच्छी है। हमारे टोमेटो ज़्यादा रेड नहीं थे इसलिए हमारी जो करी है वो रेड नहीं बनी ज़्यादा, पर कोई बात नहीं। अब कुछ नहीं है इसमें, जो राजमा मैंने बॉईल किए थे वो मैं इसमें डाल के और फिर आपको खाने पे मिलती हूँ। अब क्या राजमा डाल रही है?
बहुत ज्यादा पानी होगा मुझे लगता है। अब इसको कुक करेंगे ना हम काफी देर तक। ऐसा है क्या? देख के तो सही लग रहा है। अच्छे होंगे। मसाला मिल गया? मसाला मिल सा गया। चल फिर पूरा रेडी होके दिखा मेरे को कैसा हो रहा है। गाइस एक उपसी मोमेंट हो गया। पता क्या हुआ? हमारा सिलेंडर खत्म हो गया। इस अब मतलब इसीलिए लगता है मुझे मेरे पापा को मुझ पे दया आ रही थी जब वो यहाँ बॉम्बे आए थे। वो मतलब रोने लग गए थे कि तू कैसे रहता है, आज हमारा सिलेंडर खत्म हो गया बिटवीन खाना बनाते हुए। अब हमें हेल्प लेनी पड़ रही है हमारे पड़ोसी से। मैंने उनसे जाके पूछा, मैंने कहा मैं आपके यहाँ खाना बना लूँ क्या? मेरा आधा खाना बना पड़ा है, आधा पड़ा है। तो बोलते नहीं कोई टेंशन नहीं है, आ जाओ। तो मैं अभी ये सारा सामान उधर ही लेके जा रही हूँ। मैं हेल्प कराऊँ? हाँ अच्छा लगेगा। दोस्तों मैं छोड़ कर आता हूँ इसको, अब हमें हेल्प की ज़रूरत है। गाइस फाइनली हमारी स्ट्रगल जो है ओवर और हमारा खाना बन गया है रेडी। अब मैं राजमा खा के देखता हूँ कि कैसे बने हैं, क्योंकि बीच में थोड़े पंगे पड़ गए थे, मुझे गर्मी अच्छा लगता है। ठीक है क्या? वो टेस्ट आया नॉर्थ इंडियन वाला स्टाइल? मजा ही आ गया, मजा ही आ गया है? बहुत मस्त है, गले पे भी लग रहा है। थोड़ा नमक आई गेस थोड़ा ज्यादा हो सकता है। मैंने राजमा अच्छे बनाए। क्योंकि मेरे ना लास्ट टाइम राजमा ना बेकार हो गए थे, रणधीर को पसंद नहीं आया था। उसमें कोई तेल का भी स्वाद आ रहा था, सरसों का तेल मैंने नया यूज़ किया था, उसमें तेल का ही स्वाद आ रहा था बेटा। वो ही मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, लेकिन इस बार तो ठीक बन गए। मस्त बने दोस्तों। इसने कहा था टेस्ट करने के लिए लिया और पूरी खा गया है। और वैसे मैंने इसमें एक नंबर तो धनिए के बन जाते हैं ना, वो धनिया डाल दो तो रणधीर के लिए सब अच्छा होगा। पर आज कोमल के तीन नंबर कट गए। क्यों? गैस खत्म होगी ना, तो मेरे वजह से थोड़ा ना हुई। और वो तीन नंबर मैं अपने नेबर्स को देना चाहूंगा जो बहुत अच्छे और वो बहुत स्वीट है। उन्होंने हमारे को मतलब एकदम ऑन स्पॉट अपनी गैस खाली करके दी कि लो लो आप बनाओ। मतलब वो एक लेडी है और उनके हस्बैंड है और उनकी बेबी है छोटी सी जिसका नाम है मुर्गांका। मतलब वो बहुत स्वीट है और उन्होंने मतलब हमारी हेल्प करी। मेन होता है कि आपके लिए आपके ऐसे टाइम में एकदम से हेल्प कर दे कोई, वरना तो क्योंकि अभी रात भी हो रही थी, अब कहीं से सिलेंडर भी नहीं मिलता। दोस्तों वी आर ट्रैप्ड इन मुंबई रेन्स, इतनी जोर की बारिश हो रही है, मुझे तो लगता भी नहीं कि कोई ऑटो वाला मिलेगा मुश्किल से नीचे। और बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है कि सामने वाली, पहले काफी देर तक तो दिख रही थी सामने वाली बिल्डिंग, लेकिन अब सामने वाली बिल्डिंग भी नहीं दिख रही है, पूरी पोरिंग पोरिंग एंड पोरिंग हो रही है एकदम। इतना भी नहीं बेटा जी, तू हिमालय में निकली, कोहरा ही कोहरा हो रहा है, दिख रही है बट हाँ बारिश तेज हो रही है। इतनी तेज होती है मुंबई में बारिश की सामने वाली बिल्डिंग नहीं दिखती है। मैं तो दोस्तों बीच में ना जब मैं शुरू शुरू में नया नया आया था तो मुझे मुंबई रेंज ना थोड़ी इनफ हो गई थी, क्योंकि तब मैं बाहर काम पे जा रहा था। बट अभी कहीं नहीं जा रहे ना, घर पे ही पड़े हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। मैं कह रहा हूँ होती रहे अनंत काल तक होती रहे, क्योंकि पापा ने पहली बार मुंबई रेंज देखी और वो गए घबरा। ओके तो शुभम ये चार दिन से बारिश ही नहीं रुक रही। मतलब लिटरली उनके वर्ड थे कि भाई ये तो क्या तबीयत से बारिश हो रही है भाई, मतलब चार दिन से बारिश नहीं रुकी। तो पापा की पापा देख के पापा ने कहा वाह यार, पहली बार पापा ने ऐसी बारिश देखी थी। जब कहीं बाहर जाना होता ना तो बारिश लगता है हैरम क्यों हो गई, जब घर पे बैठ के व्लॉग एडिट करने हैं व्लॉग बनाने हैं तब नहीं लगता, क्योंकि फिर हम गेट खोल देते तो फिर हवा इतनी मस्त क्रॉस वेंटिलेट होती है कि मजा ही आ जाता है। आई थिंक नमक और डाल सकता है बस थोड़ा सा, कि सही है? ठीक है बस डाल दूंगी, वरना फिर बॉयल नहीं कर पाऊंगी ना, हमारी गैस खत्म हो रही है। अब ऐसे ही खाना पड़ेगा। कोई ना, ऐसे भी कितनी बार वहाँ पे दरवाजा खड़काऊं मैं, प्लीज हमारी हेल्प करो। कितनी बार हेल्प करे बंदा एक ही दिन में भाई। और दोस्तों हमने आपको ये नहीं दिखाया कि हमारी गैस खत्म हुई तो हम कहाँ जाके बना रहे थे, क्योंकि हम सबके घर पे कैमरा लेके घुस नहीं सकते ना, हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता। हाँ। और वो हमारे जो भैया हैं बगल वाले वो बहुत शाये से लगते हैं, तो मुझे पता है कि वो पक्का कैमरे के आगे तो कॉन्शियस हो ही जाएंगे। वो नॉर्मली कॉन्शियस रहते हैं तो वो कैमरा कॉन्शियस, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो होंगे। बट उन्होंने हमारी हेल्प करी तो मैं तो बड़ा खुश हूँ। मतलब मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है कि एक बार जाके किसी से हेल्प मांगो, क्योंकि ये ना किसी से हेल्प लेता नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये सारे काम खुद ही करता है, जैसे कि हर एक चीज इसको फिर आ जाती है। मैं क्या हूँ, मैं हेल्प ले लेती हूँ कि हाँ जी भाई मेरी कर दो हेल्प। बट आज मैंने इसको खुद बोला, मैंने कहा वो है ना क्यों टेंशन लेती है। मैं कहा क्योंकि उनकी बेबी से ना मेरी बहुत अच्छी हाई हेलो वाली बातचीत है, जो कि वो 1.5 साल की है, बट हम दोनों हाई हेलो पार्टनर्स हैं। मतलब वो सुबह उठती है मुझे हाई करती है, मैं उसे करता हूँ, मैं उसे मुंह बनाता हूँ, फिर वो डर के चली जाती है। तो ये अपना रिलेशनशिप है, तो मैं उनसे कंफर्टेबल हो गया तो मैंने कहा कुकू जाके कोई नहीं हेल्प मांग ले कोई दिक्कत, अदरवाइज कभी भी हेल्प नहीं मांगता। इसको बड़ा ऑड लगता है कि हम किसी की मतलब क्यों बेफालतू किसी को तंग करें। दैट्स हाउ माय पेरेंट्स रेज्ड मी, खुद कर सकते तो करो, उधार कभी जिंदगी में नहीं लिया और ना कभी लूंगा। और क्या हेल्प होती है, हेल्प हेल्प भी नहीं लेता मैं, हेल्प भी खुद ही कर लेता हूँ प्रॉब्लम सॉर्ट, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा
पार्टनर हेल्प लेने के लिए, इससे हेल्प जरूर मांग लेता हूँ मैं। और ये इसको मौत पड़ती है, कोमल एक ग्लास पानी दे दे, ओयो 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 ओयो, इसको दर्द है। इतने सारे काम करती हूँ पूरे दिन में, मतलब ये नहीं देखता कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, उसके बाद यहाँ पे बैठ के बस ऑर्डर देता रहेगा, ठीक है। फिर मैं एक बार इसको बोल दूंगी कि उठ के खुद ले ले पानी, कि मैं कब से करे तो देख नहीं रहा। देखा दोस्तों, मैं इसलिए हेल्प मांगता क्योंकि फिर मैं ज्यादा हेल्प मांगता हूँ, पानी ला दो, ये कर दो, छोटे मोटे काम। दोस्तों मैं एडिट कर रहा हूँ, मैं तुझसे पानी मांग लिया तो भाई तन्ने की दिक्कत हो रही है। तो मैं भी तो एक्सरसाइज करके 2 मिनट बैठी थी। अरे भाई बीमार खा लेगी के कैमरा। मुझे ना दंगल का वो डायलॉग बहुत सही लगता है, उसको उनको सुबह सुबह उठा के गोलगप्पे खिला, 4 बजे ट्रेनिंग से पहले कि अब लास्ट टाइम खा लो, कभी नहीं मिलेंगे इसके बाद। 4 बजे वो गोलगप्पे खिला रहा होता है, फिर कहता हाँ, कहते पापा देखो थोड़ा कम है, कितना मजा आता है उसको देख के। अभी क्या है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जैसे ही हम कोई भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और ऐसी डेली चुलबुली वीडियोस जो हम बनाते हैं, जो हमारे साथ होती हैं, हाँ। वो हम जैसी हैं वैसे ही बनाते हैं, जैसे हम वैसे ही दिखाते हैं, हाँ। तो आपको वैसे ही मिल जाएंगी वो सीधा डायरेक्ट आपकी स्क्रीन पर। सब्सक्राइब करो स्ट्रे आर्टिस्ट। ओके गाइस, वी विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ, कॉलिंग ऑल द ट्रैवलर्स, कॉलिंग ऑल द ट्रैकर्स, calling every adventurer. Shrey Artist is going on the Brahmatal trek with our company Goat Explorers. You can join us on this expedition. Call us on this number 798-2629-451. You can call us on this number for inquiries and bookings for this expedition. See you there.